ओम ज्ञान तिमिराम तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवताय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्णु विष्णु पाद शोदर चतुश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण नित्य गौर ब्रह्मानंद कहते ये जो ग्रंथ है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही उपदेशामृत है। कहते ये कौन है ये महापुरुष? कहते ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की एक ये परिकर राधा रानी एक दासी है। राधा रानी जब इस संसार का दुख कष्ट को देखा, एक तरह से राधा रानी हमारी माँ है। मूल जो माँ है वो राधा रानी है। माँ कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती। बच्चे अगर सुखी हो ना, माँ भी सुखी, पिता माता भी सुखी रहते हैं। अगर बच्चे अगर दुखी हो, पिता माता भी उनको दुख में दुखी रहते हैं। इसलिए मूल माँ राधा रानी। जब उन्होंने देखा संसार में सारे जीव दुखी है, कोई तन से, कोई मन से दुखी, कोई संसार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई नणंद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई मन से, कोई तन से, तरह तरह दुख कष्ट संसार में तरह तरह का दुख कष्ट है। इसलिए ये दुख कष्ट को देख करके राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु। तो उन्होंने एक महापुरुष को उन्होंने भेजा, बोले जाओ तुम जा करके इन जीवों को ऊपर में कृपा करो और इनको बताओ असली तुम्हारी पिता माता कौन है। तुम्हारी असली पिता माता कौन, हमारे असली पिता माता कौन है? कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। भगवान ही हमारी असली पिता माता भाई बंधु है। और हम कौन है? कहते अमृतस्य पुत्र, हम सब के सब अमृत के पुत्र हैं।
इसलिए ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते हैं और जो जगत में जितने जीव हैं सब मेरे बच्चे हैं, हम सब भगवान का औलाद हैं। लेकिन भगवान तो अथाह संपत्ति के मालिक हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान, हम तो उनके पुत्र हैं। लेकिन अभी हम असली जो पिता माता को हम भूल चुके हैं, भूल करके नकली पिता माता को पिता माता मान रहे हैं। एक जन्म ने कितने जीवन से पकड़ते हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हैं? हर जीवन में नए पिता माता परिवार होता है, कुछ दिन बाद में फिर छोड़ देते हैं, फिर नए पिता माता बंधु फिर मिलते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, हैं? इसलिए जो पिछले उनको भेजे बोले जाओ, उनको जा करके समझाओ तुम्हारी असली घर कहाँ है, तो कहाँ के रहने वाले हैं, हैं? असली घर तुम्हारी कहाँ, उनको समझाओ ये चीज़ को। वो अभी नकली घर को अपना नकली घर मान रहे हैं, असली घर को भूल गए। उनको जा करके समझा करके उनको अपना घर में उनको ले आओ, अपना घर में ले आओगे तो बस आनंद ही आनंद है, शांति शांति। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तत्प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम है। और जो जब तक मेरी कृपा नहीं हो ना, तब तक जीव को परम शांति नहीं मिलेगी। संसार में शांति सुख तो है लेकिन वो थोड़ी समय में, अगर थोड़ी समय के लिए सुख आता है ना, पर व्यक्ति कहीं गायब, फिर कहीं चली जाती है, फिर दुख फिर सुख है। लेकिन भगवान के चरण में अशोक अभय और अमृत, भगवान के चरण में ठाकुर जी के चरण में जब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं करता है, तब तक जीव को परम शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने राधा रानी ये महापुरुष को भेजे, जाओ उनको जाकर समझा बुझा करके उनको अपना घर में वापस ले, बैक टू गॉड हेड, अपना घर में वापस चलो, हैं? अपना घर में जाओगे तो अब देखना, अगर विदेश जाओ वहाँ भले ही जितने फैसिलिटी क्यों नहीं हो, जितने फैसिलिटी क्यों नहीं हो, लेकिन अपना के छोटी सी कुटिया हो, छोटी सी कुटिया हो, जब तक अपना छोटी सी कुटिया में नहीं आओगे ना, आपको पूरा शांति नहीं मिलेगी। अगर अपना छोटी सी कुटिया बाहर जाओगे तो बढ़िया से बढ़िया VIP व्यवस्था, लेकिन जब छोटी सी कुटिया में आ जाओगे ना, क्या बोलते हैं, अपना घर में आ गया, बोलते ना अपना घर में आ गया। वहाँ जो तुमको तसल्ली, जो सुकून मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी रहने पर भी वो शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए जब ये साधारण दुनिया में है तो असली वास्तव रूप में अपना घर में जब तक हम वापस नहीं आ जाए चले जाते हैं, तब तक हमें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते बैक टू गॉड हेड, अपना घर में वापस चलो। इसलिए हम अपना घर में कैसे वापस चल सकते हैं, इसलिए राधा रानी ने ये महापुरुष को भेजे, भेज करके बोले जाओ ये जीवों को समझाओ तुम्हारी असली घर कहाँ, और अपना घर में उनको वापस ले आओ। तो उन्होंने इसी जगत में आए और आ करके उन्होंने फिर भगवान भक्ति प्रचार किया, मठ मंदिर को उन्होंने स्थापन किया। कैसे जीव धीरे धीरे आए, आ करके अपना स्वरूप को समझे, अपने घर में कैसे वापस आ सके। इसलिए ये महापुरुष को भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है, हैं? तो उन्होंने अलग अलग उन्हें उत्तर दिया। आज हम एक प्रश्न का उत्तर सुनेंगे, किस एक व्यक्ति ने उनको प्रश्न किया है, हमारा की करवो, ये बंगला भाषा है, मतलब हम क्या करें। सब सोचते ना हमको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसी चक्कर में हम रह जाते हैं। इसलिए उनको किसी ने प्रश्न किया हमें क्या करनी चाहिए, तो उसका उत्तर देते हैं, निजे सकल अहमिका छेड़े दिए भगवत पाद पद में संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर ले हमारे मंगल है वे। वो कहते हैं वास्तव रूप में हमारी मंगल कैसे होगा, वास्तव रूप में तभी हमारी मंगल होगा जितने हमारी जड़ अभिमान है, हैं? अहमिका मतलब जितने हमारी ये जड़ जगत का जितने सारे अभिमान को उसको छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में हमें समर्पण करना पड़ेगा, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं और जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एव शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान जिसको, हैं,
भगवान इतनी बड़ी बात बताई, तुम सारे धर्म को छोड़ करके, सारे धर्म को छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा? यहाँ जो धर्म कह रहे हैं ये वर्ण और ये आश्रम धर्म है। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में, कोई क्षत्रिय कुल में, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, कभी ये धर्म को छोड़ कर हैं। ये जगत की जगत का जितने उपाधि, ये शरीर का उपाधि धर्म है, कभी ये धर्म को छोड़ करके कौन सा धर्म मिले? आत्मधर्म। आत्मधर्म क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है, हम सब के सब भगवान की नित्य दास है, उनकी संतान है, हैं? उनकी सेवा करना ही हमारी ये धर्म है। इसलिए जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कहते जीव को भगवान की नित्य दास में ही प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरे शरण में आ जा, हैं? मेरे शरण में आप बोलोगे, अगर हम सब कुछ छोड़ करके आपका शरण में आ जाएंगे फिर हमें फिर पाप नहीं लगेगा? जगत में कितना सारी कर्तव्य हमारी है, कभी ये जगत में जन्म लेने पर हमें 6 तरह का ऋणी में हमें आबद्ध होना पड़ता है। कितना ऋणी में? 6 तरह का। कहो तो 6 तरह का ऋणी क्या है? बोले एक है देवताओं का ऋणी, क्योंकि देवता लोग ये बारिश देने वाले तो वही है, सूर्य का किरण देने वाले वही है, देवता लोग दे रहे ना हमें, ये देवता हमको देने। ऋषियों का ऋणी, ऋषियों का ऋणी क्या? जो ज्ञान, हम जो ज्ञान को आहरण करते हैं, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? कहते ऋषि मुनियों से मिला, जितने जड़ी बूटी, जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब कहाँ से हमें मिला? कहते ऋषि मुनियों से मिला। देवर्षि भूताप्त, भूताप्त मतलब होता है जीव। ये जगत में आने पर कितने कितने लोगों का हमें मदद लेना पड़ा है, भाई बंधु, पुत्र, परिवार, कितने लोग हमें मदद करते हैं, उनको चरण भी ऋणी है। फिर माता जी की चरण में ऋणी है, कहते मैया को चरण में हम इतने ऋणी हैं, कहते करोड़ों जन्म में भी माँ की ऋणी कोई चुका नहीं सकता। माँ हमें 9 महीना तक गर्भधारण करती है, फिर प्रसव पीड़ा ने माँ जो जन्म दी उनको पता होगा, फिर बच्चों को लालन पालन करना, जो पालन करिए कितने कितने रात उनको माता को नींद नहीं आती, टाटी पेशाब करता रहता है, रोता रहता है रात भर, भैया सो नहीं पाती हैं, कितने ऋणी पिता माता के। कहते इनका ऋणी से तो कोई उनको कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। पिताजी का ऋणी से कभी मुक्त जीव हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए देवर से भूताप। फिर राजा ऋणी, अगर जगत में राजा नहीं होगा, अराजकता फैल जाएगा, मार पीट है सब, ये सब शुरू हो जाएगी, इसलिए हम राजाओं का भी ऋणी है। कद ये सब ऋणी में सबके सब हम आबद है, लेकिन शास्त्र ने बताया अगर केवल कोशिश करे केवल माँ की ऋणी से उद्धार होने के लिए, केवल माँ की ऋणी से, एक ऋणी से ही तो मुक्त नहीं हो सकता। माँ की ऋणी से तुम मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। पर इतने सारे ऋणी से तुम बाकी रह गया तुम्हारे, पर इससे मुक्त कैसे भले बनोगे? हाँ, लेकिन यहाँ पर भागवत में कहते हैं बोले सर्वात्मना च शरणम शरणम, लेकिन जो व्यक्ति ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाता है, ये ऋणी से, सारे ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान बोले 36 करोड़ हैं, कितने? 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मणों को भगवान नियुक्त करके रखे। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति ये सारे संसार का धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में जो आएगा, उसका जो पीछे जो काम बाकी रह जाएगी, ये 36 करोड़ ब्राह्मणों को, कर्मकांडी ब्राह्मणों को भगवान नियुक्त कर रखे, इनकी पीछे का जो काम है बाकी काम को तुम लोग पूरी कर, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं है? क्योंकि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, सबसे ऋणी किसी चरण में? ठाकुर जी के चरण में ऋणी, सबके सब, जितने पिता माता भाई बंधु देवता सबके सब, किसी के चरण में ऋणी, सब ठाकुर के चरण में ऋणी है। क्योंकि कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, सबके सब उनके चरण में ऋणी है। इसलिए जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं, भागवत कहता है सब ऋणी से तुम अपने आप मुक्त हो। एक उदाहरण देकर गुरुदेव समझाया करते थे, बोले एक समय एक गुरुजी के पास में 2 चेले आते थे कथा सुनने के,
एक तो चेला था बहुत पैसा वाला और एक चेला था बहुत गरीब, लेकिन जो गरीब जो शिष्य था चेला, वो जो धनी चेला से उसी समय में 500 रुपया ऋण लिया था और उसी समय 500 रुपया बहुत पैसा होगा। दोनों गुरु जी के पास में कथा सुनने आते थे, गुरु जी कथा सुनाया करते थे, हैं गुरु जी समझाया करते थे कि जीवन कितना दुर्लभ, सहज में भगवान ये जीवन नहीं देते, ये लाभ 84 ब्रह्म के ये नरतन देते, 84 लक्ष जन्म के बाद में एक बार भगवान ये मानव शरीर देते हैं, जिसको भगवान कहते हैं बड़ी भागमा न सतन न पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों, ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, उनको भी ये जीवन में नहीं मिलता है, केवल दुर्लभ नहीं कहते सुदुर्लभ, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ, जो सहज में जो मानव शरीर मिलता नहीं सहज में है, इतने दुर्लभ है मानव शरीर, इतने दुर्लभ मानव शरीर भगवान कहते हैं। ये बारंबार ठाकुर जी ये जीवन तुम्हें नहीं देते, पर ये दुर्लभ किसलिए, बड़े कारण है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, इसीलिए ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ कहते हैं, इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करके हम अपना घर में पहुंच सकते हैं, और मानव शरीर के सिवाय कोई भी प्रभु का भजन कर ही नहीं सकते हैं, सारे को सारे मुक्ति के दरवाजा बंद है, केवल मानव शरीर में ही ये मुक्ति के दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि भक्ति केवल इसी जीवन में होगा, ये समझाया करते थे। अभी कथा सुनते सुनते उनका जो गरीब घर का जो शिष्य था, उन्होंने देखा गुरु जी सही कह रहे हैं, ये मानव शरीर भगवान बारम्बार देते नहीं और इसी जीवन में ही भजन करके प्रभु के पास में पहुँच सकते हैं, अगर ये मानव शरीर अगर इसे खा पी करके जीवन बीत गया तो फिर ठाकुर जी दोबारा जीवन नहीं देंगे, इसलिए जितने जल्दी होनी चाहिए भगवान के तृणा तृणा मतलब जितने जल्दी हो सके भगवान की भजन करना शुरू कर दो, इसलिए कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो आप, इसलिए पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी काम है, इसलिए उन्होंने ये चीज को सुन करके ना उनकी हृदय में भावना आई, जितने जल्दी हो गुरु जी की शरण में जाकर भजन करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने गुरु जी की भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को शरण में आए, आकर के बोले गुरु जी मेरी मन में इच्छा है, आप कितने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हो, ये जीवन बारंबार नहीं मिलता है, जीवन पा करके जल्दी से जल्दी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए गुरु जी मेरे मन में इच्छा है आपके श्री चरण में आकर के रहे, आपके चरण की सेवा करे, ठाकुर का सेवा करे, मठ पास करे। बोले अच्छी बात आ जा। बोले गुरु जी एक समस्या भी है। बोले क्या है? बोले आपका जो दूसरा जो चेला है ना जो पैसा वाले, उनसे मैंने 500 रुपया ऋण लिया है और उसी समय 500 रुपया बहुत कीमती था। बोले जिंदगी में भी मैं 500 रुपया ऋणी कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, मैं जिस मेरी जो स्थिति है कभी भी ये 500 रुपया से मैं ऋणी से मुक्ति पा ही नहीं सकता, इसका मतलब मैं कभी भी आपका श्री चरण में आकर के आपका सेवा आपकी जीवन बिता नहीं सकता। तो गुरु जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, मेरा शिष्य है, मेरा आदेश पालन करता है, मैं उसको बोल दूंगा उसको ऋणी से मुक्त कर दे और तुम मंदिर में आकर भजन कर। जब वो शाम को आया जो धनी वाले चले आए, उसने गुरु जी ने पूछा उसने तुमसे 500 रुपया लिया है? बोला हाँ। बोले वो उसका इच्छा है मंदिर में आकर के ब्रह्मचारी जीवन बिताए, संत जीवन बिताए, मंदिर के ठाकुर का सेवा गुरु जी की सेवा करे, उसको 500 रुपया तो छोड़ दोगे? बोले गुरु जी ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं भी कथा सुनने के लिए आता हूँ, अभी तक मेरे मन में ऐसी भावना आई नहीं, जिनके आपकी शरण में आकर के मंदिर में रह करके संपूर्ण जीवन को हम भक्तिमय हमारी भावना में नहीं आए, अगर आपका आदेश आप गुरु जी हो आपका आदेश करके 500 रुपया किया, 5 लाख रुपया भी मैं उसको छोड़ सकता हूँ, वो आकर के आपका शरण में रहे और भजन करे। तो गुरु जी ये कथा सुनाते थे, इसका मतलब है हम सबके सब ऋणी किसी चरण में भगवान ही चरण, क्योंकि उसको इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता, जब पिता माता भाई बंधु देवता किसकी ऋणी, सबके सब ठाकुर के चरण में ऋणी, इसलिए कृष्ण यहाँ कहते जब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब कोई व्यक्ति सारे धर्म को छोड़ करके भगवान की शरण में अगर कोई आ जाता है ना, क्या होता है, भगवान कहते हैं आम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारी ऋणी से सारे पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा, मां सोचो कोई चिंता
करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जो छह तरह का जो ऋणी से अपनी आप एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब श्री ठाकुर की चरण में आ जाए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये कत भगवत चरण में संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करके करके उनकी भजन करने पर ही, कहते ना हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य यही कर्तव्य है, भगवान की चरण में शरणागत होकर क्या करो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो। जैसे हनुमत लाल त्रिवर क्या करते हैं, राम की सेवा तो कर रहे, राम का तो नाम ले रहे, यही तो कर रहे हैं। मीरा ने किया, मीरा की कथा सुने होंगे, जब उसने भगवान की भजन की सारा दुनिया उसकी विरोध हो गई, सास ननद देश देवर गांव के कुत्ता तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ी। ये जगत ऐसे जगत है ना, कोई शराब पिए जीवा के लिए सारा दुनिया कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सारा प्रभु का भजन में आ जाओ, गले में कंठी तिलक, बोलिए क्या चीज, ये कौन सा बीमारी तुमने हाथ पकड़ लिया, गले में कंठी तिलक तुमने लगा दिया, बोले ये कोई उम्र है तेरे भजन करने का, लेकिन उम्र है पीने का, कोई पिए ना सो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब भजन में आज बोले तेरे कोई उम्र हो गया, इस उम्र से क्या सब कंठी माला तिलक, इसी उम्र से तुमने सब क्या कर रहे हो, अभी तो लिखाई बढ़ाई समय है, लिखाई बढ़ाई करो, नौकरी चाकरी करो, जब तुम तो बूढ़े हो जाओगे ना कोई काम का नहीं रह जाओगे, एकदम माला कर लेना, अभी से क्या भजन भजन कर रहे हो है। लेकिन शास्त्र कहता है तृणम, भगवान कृष्ण के तृणम, तृणम मतलब जल्दी अभी से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, क्यों पल में प्रलय होगी, करुणा आया ना, कितना लोग गए किसके पास, कोई गारंटी कार्ड है क्या, इतने दिन हम जिंदा रहेंगे, कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है हम इतना दिन जिंदा रहेंगे, न्यूज पेपर पढ़ करके देखो कितने लोग एक्सीडेंट में कैसे बैठ बैठ करके हार्ट फेल हो जाता है, बैठ बैठ करके है। इसलिए कहते नहीं अगले जीवन में करेंगे, इस जीवन में नहीं होगा तो प्रहलाद क्या बोले, दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जीवन बारंबार भगवान देने वाले नहीं तुमको है, बोले देत ईस बिनु हेतु सनेही, भगवान कहते हैं देत ईस बिनु हेतु सनेही, ये कैसे तुमको तो किसी तरह से जीवन कैसे मिल गया, तुम ये मत समझो तुमने बड़े पुण्य कर्म करके मिला, बोले नहीं भगवान कहते तुमको कोई पुण्य कर्म से नहीं मिला, बोले कैसे, बोले देत ईस माने ईश्वर ने तेरे को दिया, बिनो हेतु सनेही, बिना कारण के स्नेह पूर्वक कैसे दे दिया, एक ग्लास पानी लो, एक ग्लास पानी में इतने बैक्टीरिया है ना, इतने बैक्टीरिया पृथ्वी में इतने जीव ही नहीं है। आप लोग पढ़ लिखे बड़े होंगे, जब बच्चा कैसे जन्म लेता है, जब पति पत्नी के मिलन होता है, कहते एक जो एक ड्रग जो बीर्य है उसमें करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं, जब गर्भ में जाता है उनके अंदर फाइट होता है, युद्ध होता है, युद्ध करते 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 करोड़ों करोड़ों जीव में कोई एक जीव बच जाता है, वही मानव शरीर बनता है। इसलिए भगवान कैसे कृपा करके दे दिया जीवन हमें कोई, इसलिए भगवान, इसलिए हमारा हर शास्त्र कहता है भैया जितने जल्दी पारो दूसरे काम को पीछे रख लो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दूसरे काम को, हम जीवन में जो कुछ करते ना किसलिए करते हैं, सुख मिले या दुख जाए, इसलिए ना जितने सारे हमारे एक्टिविटी देखना केवल एक है, सुख मिले दुख जाए, दुख जाए और सुख आए, इसलिए करते हो, दुख जा रहा है किसका, दुख चला गया एक बाद में एक, एक बाद में एक, हम सोचते हैं किसी तरह से एक दुख चले जाए ना सुख आएगा, देखना वो दुख तो गया नहीं और एक दुख आ गई, एक समस्या आ गई, सोचते ये समस्या किस तरह हल हो जाए, समस्या हल हो जाएगी, दो गए ना और तीसरा आ गई, ये समुद्र में ढेर आती ना लहरी आती एक बाद में एक, एक बाद में एक। लेकिन देखो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं बच्चों को, बोले बच्चों अगर सारे दुख को दूर करना चाहते हो केवल एक ही काम करो, बोले भगवान की भजन के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा जैसे तुम्हारा दुख दूर होगा, जगत में और कोई काम नहीं जिसको द्वारा तुम सारे दुख दूर कर सकते हो, क्योंकि सारे दुख का जो जड़ है भगवान को तुमने भूल गए। कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादिकाल से तुम भगवान को भजन असली पिता को भूल गए, इसलिए सारे दुख का कारण है, जब उनको भक्ति करने लग जाओगे सारे दुख, हनुमान देखो दिन भर करते है क्या, हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पति तो पाप नहीं तो कर रहे, राम को तो सेवा कर रहे है, लेकिन देखो राम सेवा से राम की भक्ति से अपना दुख तो गया, दुनिया का दुख दूर कर,
अपना दुख तो गया और दुनिया का दुख भी दूर कर रहे हैं। इसलिए कहते अगर जीवन में दुख दूर होने का एक ही कारण है, या कहते हैं भगवान की भजन के द्वारा जैसे दुख दूर होगा और कोई उपाय नहीं, करोड़ कोशिश कर लो दुख दूर होने वाले नहीं, इसलिए जड़ को पकड़ो। लेकिन हम जड़ नहीं पकड़ते। उदाहरण दिया जैसे कि फोड़ा हो गया है, अगर उसको ऊपर मलहम पट्टी करोगे ना फिर क्या होगा, देखना दूसरी जगह पर फिर फोड़ा निकलेगा, वहां पर मलहम पट्टी करो फिर तीसरा जगह पर फोड़ा निकलेगा। लेकिन वो फोड़ा क्यों हो रहा है इस चीज को देखो, तुम्हारा जो ब्लड है वो खराब दूषित हो गया है, फोड़ा होने के कारण क्या तुम्हारे ब्लड तुम्हारी खराब हो गया, इसलिए तुम्हारी फोड़ा हो रही। अगर ब्लड को सही करो तो फोड़ा तो अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए जितने दुख का कारण किया भगवान को भूल गए, इसलिए ये सारे दुख है। लेकिन भगवान की चरण पकड़ लो, भक्ति कर लो, अपने आप सारे दुख दूर अपने आप दूर हो जाएगा। प्रहलाद महाराज कह रहे बच्चों भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे दुख दूर होगा जगत में और कोई उपाय नहीं तुम दुख को दूर कर सकते हो ही नहीं सकता। इसलिए जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कर्मे फल भोगी आमी भक्ता ज्ञान हो आमी, किंतु भक्ति तो अदर्श जो वस्तु है जिन्हें भक्ति प्रथय आश्रय नहीं हो। इसलिए कहते जो कर्म जो ज्ञान जो योग है उसमें अभिमान है, कर्म करने वाले मैं हूँ, ज्ञान करने वाले मैं हूँ और जो करने वाले मैं। लेकिन जो भक्ति में क्या है कहते यहाँ पर कहते जो भक्ति है कहते ये भगवान के चरण में ये समागत है। जो भक्ति योग है जो भक्त क्या करता है भगवान के चरण में ये शरणागत है। इसलिए ठाकुर के चरण में शरणागत होने का नाते क्या होता है जीव का, जैसे कि छोटा बच्चा है क्या किसकी चरण में शरणागत, पिता माता के चरण में। इसलिए बच्चे कभी खाने के लिए कोई चिंता करते हैं, चिंता करते हो खाने की चिंता है, हेल्थ कूदते हैं क्यों, उनको पता है हमारी माँ है, हमारे पिता माता देखने वाले पिता माता है। इसलिए कहते जिनी बालक राखे महतारी, इसलिए गोस्वामी जी कहते जैसे बच्चे को क्या करते हैं जब माँ जैसे पिता है उनको रक्षा करते हैं, इसलिए बच्चे को भी खाने पीने का चिंता ही करते नहीं, खेलते खेल कूद में मस्त रहते हैं। इसलिए क्यों तो शरणागत किसकी चरण में, पिता माता की शरण में। इसलिए पिता माता खुद नहीं खाएंगे तो पहले किसको खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। इसलिए जो भक्त है वो भगवान की चरण में शरणागत है, शरणागत होने का नाते भगवान खुद कहते हैं जब तक मैं अपना भक्तों को नहीं खिला देता हूँ ना मैं तब तक सो ही नहीं सकता, मैं सो ही। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अनन्नश्चिन्तयन्तमाम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाभ्यां वहां अहम कृष्ण स्वयं, मैं स्वयं जो अनन्य रूप में मेरे चरण में शरणागत है। अनन्य मतलब और किसी की शरण में नहीं, और किसकी शरण में नहीं, एक पॉइंट है केवल मेरे शरण में जो आए हैं, केवल मेरी शरण में जो केवल आए है क्या बोलो। इसलिए जो मेरे शरण में केवल आए कैसी शरणागति, जैसे द्रौपदी, एक समय द्रौपदी भगवान कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु जब मेरी भरी सभा में लाल जा रही थी मैं आपको बड़े देर से पुकार रही थी, अब आने में इतने देर क्यों किया। भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने हृदय से नहीं पुकारी, मेरे को हृदय से एक बार पुकारी। बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, घर से घिसड़ते हुए मेरे को पकड़ पकड़ घिसड़ते घिसड़ते भरी सभा में लाए तभी से मैं पुकार रही थी। भगवान ने बोले द्रौपदी सही बता, झूठ मत कहो, जिस समय दुशासन तेरे पास में गया तू क्या सोच रही थी, क्या सोच रही थी, मेरे पांच पांच पति और साधारण नहीं सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कौन, अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन, भीम, सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में नकुल सहदेव, भाला युद्ध में युधिष्ठिर, इनके बराबर कोई करने वाले नहीं। तो क्या सोच रही थी, अरे ये कीड़ा क्या कर लेगा दुशासन, पांच पांच पति मेरे और छोटे मोटे नहीं, इस जगत में किसका पति अगर बड़ा पोस्ट में हो ना मंत्री पद में उसका पत्नी छाती फुला करके चलती है, अरे हमारे पति अमुक व्यक्ति हमारे कौन क्या कर लेगा। और उसी समय में जिनकी बराबर करने वाले कोई नहीं थे, हाँ जिनकी पांच पांच पति, तो ऐसे सोच रही थी ना द्रौपदी, मेरे पांच पांच पति रहे क्या करेंगे। बोले हाँ प्रभु मैं तो ये सोच रही थी। बोले द्रौपदी मैं तो आधा रास्ता तक तेरे को बचाने आया था लेकिन वहां से वापस चला गया। बोले क्यों, बोले जब तुम घिसड़ते हुए भरी सेवा में लाई तो क्या कर रही थी, अपना पति के दर्द में देख रही थी, तो कुछ बोलेंगे
मेरे को भी पुकार रही थी और इनको तरफ में देख रही थी। मैंने तेरा देखा जब तुमको पांच पांच पति रक्षा करने वाले बीच में क्यों आ, इसलिए आधा रास्ता से मैं चला गया, लेकिन आया था तो बचाने के लिए। बोले द्रौपदी और थोड़ा नजदीक में आया तभी मैंने गया। बोले क्यों? बोले देखा जब तुम्हारा पांच पांच पति कोई रक्षा किए ही नहीं, फिर तुम उसके बाद में क्या कर रही थी? अपना गुरु वर्ग पितामह भीष्म एक बोली निकल गया तो बाकी वो कोई खंडन करने वाले थे। धृतराष्ट्र राजा है, वहां पर कृपाचार्य द्रोणाचार्य इनकी बाकी कोई लंघन नहीं कर सकते। अब उनको तरफ में देख रही थी ना, ये तो कुछ बोलेंगे, देख रही थी? बोले हाँ देख रही थी। बोले द्रौपदी जब इतने सब लोग तुमको रक्षा करने वाले में क्यों आता, इसलिए वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में भी आया था तेरे को बचाने के लिए तब भी गया। बोले क्यों? तुमने जब देखा ये कोई नहीं बचा रहे तो अपने कपड़े को हाथ में पकड़ के रखी थी, रखी थी कि नहीं? बोले हाँ। और दांत को नीचे दबा कर रखी थी? बोले हाँ। बोले क्या सोच रही थी? बोले साधारण घर की मैं थोड़ी पत्नी हूँ, वीर रमणी हूँ, मैं भी साधारण नहीं, अपना लाज को मैं स्वयं बचा सकती हूँ। बोले द्रौपदी जब तू स्वयं को स्वयं बचा सकते, पर बीच में क्यों आया आप? इसलिए एकदम नजदीक में आकर के मैंने वापस गया। लेकिन जब कब मैंने आया? जब तुमने देखा ये पांच के पांच पति कोई नहीं रक्षा करते, हमारे कोई गुरुवर्ग भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई, मैं स्वयं को स्वयं नहीं रक्षा कर सकता हूँ, उसी समय तुमने क्या किया? दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण, अब तक जीवन हरि, हे गोविंद तेरे सिवाय और कोई मेरे को रक्षा करने वाले नहीं। जब दोनों हाथ को उठाया, हाथ ऐसे करना मतलब क्या? हे ऊपर वाले तू ही मेरे को रक्षा करने वाले, तभी मैंने वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। हे 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भक्त जो भगवान के चरण में जो शरणागत है ना, हाँ शरणागत है, जैसे बच्चा जब किसी माँ की गोद में सर रख करके सो जाती है ना, निश्चिंत होकर सो जाती है। बोले क्यों? किसकी गोद में सर कर रख के सोया? माँ की गोद, माँ की गोद में पता है माँ मेरे को रक्षा करेगी ही। इसलिए जो शरणागत भक्त है भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं, क्या कौनते हैं प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति अर्जुन, तो प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त है ना वो तो संपूर्ण रूप में मेरे चरण में केवल भक्त ही शरणागत है। इसलिए मैं भगवान का एक नाम है ना भक्त वत्सल, हाँ क्या नाम है? हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान भक्त वत्सल, भक्तों का हर समय भगवान रक्षा करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ज्ञानी कर्मी योगी को भगवान रक्षा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर में अभिमान है। लेकिन जो भक्त है वो मेरे चरण में शरणागत है। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, बहुत जगत में बंधन है लेकिन जो प्रेम को द्वारा मैं जैसे बंध जाता हूँ और किसी को द्वारा मेरे में बंधन को स्वीकार नहीं करता, भक्त ही मेरे को संपूर्ण रूप में भक्त ही मेरे को वशीभूत करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति पथ ही आश्रयणीय। इसलिए कौन सा रास्ता को हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए? भक्ति मार्गों को ही हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन ज्ञानी अभिमान होता है, ज्ञानी अभिमान है, ज्ञानी अभिमान है, लेकिन भक्त शरणागत है। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र प्रति मुहूर्ते कृपा करे अमार निकटे, आत्म प्रकाश करिवार जन व्यस्त, आमा के केवल तत्पर है सादर से कृपा वर्ण करते हवे। ये क्या कह रहे हैं? यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भगवान हर मुहूर्त में ही हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए तैयारी है ठाकुर जी, क्योंकि वो हमारे पिता है ना। भगवान कहते ना मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ, मेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा है भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान हर समय कृष्णचंद्र कृपा करने के लिए, आत्म प्रकाश करने के लिए व्यस्त, व्यस्त मतलब क्या? वो हर समय चाहते हैं, तत्पर है। मैं चाहता हूँ भक्तों के पास में, जीव के पास में
अपना आत्म प्रकाश करे है, अपनी आप का प्रकाश करे है। इसलिए हमारे जैव धर्म ग्रंथ में बताया, जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान जीव को प्रश्न करते बताओ क्या करो, तो मेरी भजन करोगे ना माया में जाओगे, तो माया में जाओगे ना मेरे भजन करोगे। लेकिन माया का जो ऊपर है ना चक्षु, बड़े देखने में सुंदर है, हाँ बड़े सुंदर है, लेकिन अंदर में ना जैसे उदाहरण दिया जैसे सोने का कलसी है, देखने में तो सोने का कलसी लेकिन हाथ उसमें डुबाओगे तो वो जहरी जहर है, उसमें केवल जहरी जहर है। ये माया तो ऊपर में देखने में बड़ा सुंदर सुभा बना, क्या मीठा है, क्या सुंदर है, हैं सुंदर, अंदर में हाथ डुबाओगे अंदर में जाओगे ना वा संसार दावा नलली, संसार रूपी अग्नि आग जल रही, अंदर में आग जल रही है संसार में है, लेकिन ऊपर में बड़ी सुंदर लगती है। इसलिए जीव जब जब बोले बताओ क्या करोगे, मेरे भक्ति करोगे ना माया में जाओगे, लेकिन जीव है ना एक तरफ में साधु बुला रहा है, भैया इधर आ जा, देख रहे हो उधर कैसे अंधकार, भूत पिशाच खड़े हुए, उधर जाओगे तो सीधा गड्ढे में गिरोगे, इसलिए इधर चले आ। लेकिन जीव क्या कभी इधर देखता है, साधु बुलाता है, देखिए इधर प्रकाश प्रकाश सीधा ठाकुर के पास खड़े, वो माया बुलाती इधर देखती कभी इधर, बोलो क्या करे क्या करे है। फिर लास्ट में ना बहुत कम जीव जो भगवान की तरफ में बढ़ते हैं, अक्सर के जीव माया में छलांग लगा, माया में छलांग लगाते हैं अक्सर करके। लेकिन जब जीव भगवान को, हम तो सब भगवान की औलाद है, उनके तो बच्चे है, पिता माता क्या चाहते, बच्चे हमारे सुखी रहे, बच्चे हमारी सुखी रहे। लेकिन भगवान को पता है ये माया में जाएगा तो माया के डंडा ही पड़ेगा, और सुख तो है नहीं, मेरे शरण में आएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन जब जी भगवान को भूल करके माया तरफ में जाता है ना, भगवान क्या करते रो रो कर उसको पीछे पीछे चलते, जी दुख पाता है संसार में डंडा पड़ता रहता है, इसलिए वो तो पिता हमारा असली पिता, वो क्या करते हैं हमारे पीछे पीछे भागते हैं, भगवान जीव को पीछे पीछे भागते रहते। बोले जीव अरे एक बार तो मोड़ कर मेरी तरफ देख ले, एक बार तो मोड़ करके मेरी तरफ पे देख ले हैं, तभी तो मैं तेरे का हाथ पकड़ करके ले आऊंगा। लेकिन वो जीव भगवान की तरफ में देखना नहीं चाहता और माया की तरफ में देखना चाहता है, वो देखना ही नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान क्या करते हैं, हर समय में अपनी आप को जीव को पास में अपना आत्म प्रकाश करना चाहते। जीव एक बार तो मेरे भजन कर, मेरे नाम ले, मेरे को नाम जप्त करो, मेरे तरफ तो बढ़ो, तभी तो पकड़ करके लाऊंगा। आमा के केवल तत्पर है सादर से कृपा वर्ण करते है वे, ठाकुर तो कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी तत्पर हो करके क्या करना पड़ेगा, उनको कृपा ग्रहण करना पड़ेगा। केवल भगवान केवल देख रहे हैं, तू कब मेरे तरफ में आओ पकड़ कर, मैं तुम्हें अपना पास में तेरे को ले आऊंगा, अपना घर में तेरे को ले आऊंगा। इसलिए सकल व्यवस्थित गुरु दर्शन कर, इसलिए अपर हरिकृष्ण कृष्ण सेवा बाद दिए, इसलिए कृष्ण सेवा बाद दिए 24 घंटा गुरु वैष्णव सेवा करते हवे तबे मंगल आई वे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या देखो कृष्ण सेवा बाद दिए, कहते भगवान की सेवा में हमारे इतने मंगल है, कहते उससे ज्यादा मंगल है जब हम साधु गुरु वैष्णव की सेवा करें, साधु गुरु वैष्णव की सेवा करें, हाँ भगवत सेवा से ज्यादा मंगलदायी साधु गुरु वैष्णव की जब हम सेवा करें। लेकिन जब साधु गुरु वैष्णव शरण में आए, लेकिन वो क्या कहते, तुम भगवान की हरिनाम करो, भगवान की सेवा करो, भगवान कहते मेरे भक्त सेवा करो, और भक्त क्या कहते हैं मेरे भगवान की सेवा करो, दोनों दोनों को सेवा करने के लिए बताते हैं। हाँ हमारा अहंकार बसे कौन काज करबो ना बा कौन कथा बोलबो ना, कहते कभी भी हम अहंकार में बसीभूत तो हो करके कोई काम भी नहीं करेंगे और कोई बात भी नहीं बोलेंगे, यदि करीबा बोली तबे आमादर असुविधा ताई तो ऐसे जाए। अगर अहंकार करते हुए अगर हम कोई काम करते हैं क्या होगा हमारे ऊपर दायित्व, तो हमें तरह तरह का दुख कष्ट आएगा। इसलिए नित्य काल हरि कीर्तन कराई आमादर काज, अरे करेंगे क्या, बोले हर समय क्या करो सारे अहंता ममता अहंकार छोड़ करके भगवान की सेवा करो,
भगवान का नाम करो, साधु गुरु वैष्णव की सेवा करो। आमर जदि भगवान रे कथा तार निज जन गुरुदेव रे आज्ञा बाही दास सूत्र बोली ता हले आर दायित्व थाके ना। अगर हम लोग गुरु वैष्णव के आज्ञा बाहक होकर के, हम कौन है? गुरु वैष्णव का हम सेवक है, संतों का हम सेवक है। अगर ये भावना अगर हमारे हृदय में रहे, फिर अपना ऊपर में दायित्व नहीं रहता। लेकिन अगर स्वयं को अपने आप माने, फिर बहुत तरह तरह का दायित्व है। इसलिए ठाकुर के चरण में, वैष्णव के चरण में सब छोड़ देनी चाहिए। सुविधा हो और असुविधा हो, ताते आमार व्यक्तिगत दायित्व नहीं। पियन लोगर का जे संवाद एने दे बा बल बलि करे, संवाद संपर्क तार को दायित्व थाके ना। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अगर हम ठाकुर की चरण में शरणागत हो जाए, ठाकुर जी आपकी चरण में हम शरणागत हैं, गुरु जी आपकी चरण में शरणागत है। उदाहरण दिया जैसे पियर, पियर क्या करता है? अगर कोई पैसा आता है ना, कोई अगर पत्र आता है, वो क्या करता है? पैसा व पत्र को ला करके वो व्यक्ति को दे देता है। जब दे देने पर क्या होता है, उसका बीच में कोई दायित्व नहीं। पत्र में क्या लिखा हुआ नहीं हुआ, कितना पैसा, उसमें कोई उसकी दायित्व नहीं रहता है। वो लाया और दे दिया। तो उसी तरह जब हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत होकर करते हैं, सब दायित्व ठाकुर जी का, इसमें कोई हमारी कोई दायित्व नहीं। लेकिन जब अपने आप अभिमान करके करने वाला मैं हूँ, कर रहा हूँ मैं हूँ, तो सारे दायित्व तुम्हारी ऊपर में आ जाएगा। हमारे योग्यता ठाकुर व ना ठाकुर, हमारे बड़ो भरोसा हमारा श्री गुरुपाद पद में कथा बोलो, ताते हमारे असुविधा कौन कथा ना। यहाँ पर कह रहे हैं कहते हमारी अंदर में कोई योग्यता हो नहीं, कोई बात अयोग्य हो, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा भरसा किया है। हम कौन हैं, हम किसकी कथा बोल रहे हैं? हम गुरु जी की कथा सुना रहे हैं, हम ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं, हम अपनी आपका कथा नहीं सुना रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर योग्यता रहे बा नहीं रहे, इसमें कोई फिर असुविधा नहीं। हमारा गुरुदास सूत्रे अनुगत सर्वदा हरी कथा कीर्तन करवो, ताते हमारे कोनो असुविधा हवे ना, परंतु मंगलमय हवे। हम क्या करना चाहिए हमको? बोले श्री गुरुपाद पद्म सूत्र, गुरु जी की अनुगत में रह करके हर समय भगवान की कथा कीर्तन करनी चाहिए। फिर हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जीवन में कोई अमंगल नहीं होगा। क्यों? हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत है, गुरु जी के चरण में शरणागत है। अपूर्ण वस्त्र संग वो सेवा द्वारा अमंगल है, और पूर्ण वस्तु संगे सेवा द्वारा हमारे मंगल लाभ है। जैसे हम संग करेंगे वैसे रंग होगा। भगवान पूर्ण वस्तु है, अगर भगवान की सेवा उनके नाम कीर्तन करेंगे हम भी पूर्ण बनेंगे। लेकिन जगत में अगर किसी व्यक्ति का सेवा पूजा करोगे, जगत में हर वस्तु अपूर्ण है, अगर उनकी सेवा करोगे तो फिर क्या होगा? हमारे मंगल नहीं हो सकता है। मंगल होगा जब भगवान पूर्ण है, जब उनकी सेवा करेंगे संग करेंगे, उसको द्वारा ही कल्याण होगा। इसलिए पूर्ण जन्य पूर्ण जतन करा दरकार। भगवान पूर्ण है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? संपूर्ण रूप में भगवान के लिए शरणागत होनी चाहिए। पूर्ण है, जब पूर्ण है पूर्ण रूप में तो तुमको देना पड़ेगा, तब तो पूर्ण वस्तु मिलेगा, नहीं तो पूर्ण वस्तु कैसे मिलेगा? ठीक है। देखो आज है एक संतों का तिथि है, जिनका नाम श्रीवास पंडित। हम लोग कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद बोलते है ना, उसमें जो श्रीवास पंडित है, कहते ये कौन है कृष्ण लीला में? ये नारद है। ये कौन है? नारद है। इसलिए जब भगवान जगत में आते हैं, वो अकेले नहीं आते। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहाबतन। भगवान जब आते हैं, वो धाम और परिकरों को लेकर के जगत में आते हैं। लेकिन नारद जी को देखो, ये हर लीला में, जब नारायण लीला में देखोगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लेकिन जब कृष्ण लीला में है कहते नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नाम। जब कृष्ण लीला में राधा रमन का नाम कीर्तन करते, लेकिन जब महाप्रभु लीला में फिर क्या करते? गौर हरि गौर हरि का नाम लेते। जब राम लीला में आते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, वैसे जो नारद को देखने को क्या मिलता है?
वो प्रभु लीला में उनने ब्रह्मा जी 10 पुत्र जन्म दिए, 9 बेटे को तो शादी हुआ लेकिन नारद ने शादी नहीं किया, नारद ने शादी उन्होंने नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहे। लेकिन जब महाप्रभु का लीला में आते हैं ना, वो शादी करते हैं, महाप्रभु लीला में शादी करते हैं, वो गृहस्थ लीला करते हैं, हैं? उनकी एक कथा सुन लो, शाम को भक्त लोग सब सुनाएं। उनकी एक कथा है, महाप्रभु जिनके घर में हर समय नृत्य कीर्तन करते थे, एक दिन महाप्रभु उनके घर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, करते करते हठात क्या हुआ, उनके एक ही बेटा था, एक बेटा ने उसने शरीर छोड़ दिया। साक्षात भगवान जहाँ नृत्य कीर्तन कर रहे थे, एक बेटा ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया, घर के जितने माताएं बैठ करके रोना शुरू कर दिया। इतने में श्रीवास पंडित को साथ में महाप्रभु के एक घर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, रात भर कीर्तन हो रहा था। इतने में हठात उनको कान में रोने का आवाज सुनने को मिला, सुना मिला तो उन्होंने प्रणाम कर कीर्तन को प्रणाम करते हुए वहां पर आए, बोले भैया तुम लोग क्यों रो रहे हो? बोले तुम्हारी एक लौता बेटा ने शरीर छोड़ दिया, है शरीर छोड़ दिया। बोले फिर शरीर छोड़ दिया तू रो क्यों रहे हो? देखो भक्तों का हृदय कितना महान है। बोले वो तो मर गया, तुम क्यों रो रहे हो? बोले तेरा एक बेटा था मर गया, रोएंगे नहीं? बोले ये बताओ बेटा दिया किसी ने? बोले ठाकुर ने। बोले लिया किसी ने? बोले ठाकुर ने। बोले दिया ठाकुर और लिया ठाकुर, तो बीच में क्यों रो रहे? फिर तुम क्यों रो रहे हो? मतलब विचार कितना उन्नत विचार है। देखो एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा, कोई बोल सकता है हर समय जिंदा रहेंगे? कहते अद्यवा अब सतांतवा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुवा, आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। जब मरना पड़ेगा और उनको प्राण कैसे चुका, जहां पर साक्षात भगवान कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु साक्षात भगवान जहां पर स्वयं घर में कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी है, और उन्होंने ठाकुर जी की कीर्तन सुनते सुनते ठाकुर जी की कीर्तन सुनते सुनते उन्हें अपना शरीर को त्याग दिया। कभी ऐसे सौभाग्य होगा? एक दिन तो मरना ही है, लेकिन भगवान की कीर्तन सुनते सुनते इस जहाँ पर साक्षात नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, गदाधर राधा रानी और अद्वैत आचार्य सदासी, वो सारे भक्त लोग जहाँ पर है और उनकी कीर्तन सुनते सुनते मरा, कितने सौभाग्य की बात है। वो कहते मैं तो चाहता हूँ भैया ऐसे मृत्यु कब मेरे हो, जहाँ साक्षात भगवान हो, राधा रानी महाविष्णु घर में हो, है साक्षात दाऊ भैया हो, उनकी सामने मृत्यु हो, कितने सौभाग्य की बात है। खबरदार रोना धोना नहीं, अगर रोना धोना करोगे, अगर इसको सुन करके महाप्रभु का लीला में कोई व्याघात तो होगा ना, ये तो मरा ही, ये तो गया ही गया, मैं भी गले में पत्थर बांध करके गंगा में डूब मरूंगा, बड़ा डांट लगा दिया। और जब डांट लगा दिए सबके सब चुप हो गए, लेकिन मन मन में रो रहे। इतने में फिर उन्होंने आए, आ करके कीर्तन हो रहा था, फिर आ करके तो पहले जितने उत्साह पूर्वक नृत्य कर रहे थे ना, अभी आकर के उससे भी ज्यादा उत्साह पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जोर से बोला, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे भी ज्यादा जोर जोर से नाच कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो सब जानते हैं। मतलब आज मेरे मन में कुछ ऐसे लग रहा है जैसे श्रीवास के घर में कुछ अनहोनी हो गई। जब इतना बोले ना, वो छलांग लगा दिया श्रीवास पंडित, बोले प्रभु क्या बोल रहे हो? जहाँ साक्षात वैकुंठपति साक्षात भगवान जिनके घर में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, हैं? जहाँ नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर साक्षात, वहां पर कभी अनहोनी हो सकता है क्या प्रभु? इतने में अद्वैत आचार्य निकला, प्रभु श्रीवास का जो एक लौता संतान था उसने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु सुनते तो रोने लग गए। महाप्रभु कहते हैं पुत्र शोक ना जानी लो, जे महारे प्रेमे एमत संग मुई छाड़ी बके मने। महाप्रभु संन्यास लीला करेंगे, वहां पर प्रकाश कर दिया, बोले जो मेरे सुख के लिए अपना एक बेटा किसको हो, किसका एक बेटा हो, अगर भगवान साक्षात यहाँ पर घर में शरीर छोड़ दिया, अगर हमारे घर में कुछ थोड़ा अनहोनी हो जाए ना, थोड़ी सी भजन कर ले, थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ देंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे? माला छोड़ देंगे।
तुम्हारा इतना भजन किया भक्ति किया और तुम हमारे साथ में ऐसे किया हो है? मतलब वो माला छोड़ने के लिए पहले तैयार बैठे, ये माला कब छूट जाए हमसे? ये भजन कभी पहले से तैयार बैठे और कोई चीज छोड़ेगा नहीं, देखना खाना पीना घूमना सब ठीक करेगा लेकिन प्रभु का भजन छोड़ देगा। लेकिन इनके घर में एक ही बेटा था है? एक बेटा शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ दिया तो उसने है? उसने क्या बोल रहे महाप्रभु कह रहे पुत्र शोक ना जाने लो ये महारे प्रेमी, बेटा का जो शोक है मेरे प्रेम मेरे को प्रेम भक्ति करता है इसी वजह से उन्हें अपना बेटा का शोक भी त्याग दिया। ऐसे ऐसे संघ को मैं कैसे छोड़कर संन्यास लूंगा? भक्त लोग समझ गए महाप्रभु ज्यादा दिन घर में रुकने वाले नहीं, महाप्रभु जल्दी जल्दी संन्यास लेने वाले, इसलिए कहते ये इनकी दीप। फिर महाप्रभु बोले चलो देखते हैं, चलो बच्चे के पास महाप्रभु आए। महाप्रभु आकर के देखो भगवान है ना, ईश्वर क्या करते हैं, उनका नाम ईश्वर, ईश्वर मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सकते सब ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन बताया जो है को नहीं नहीं को जो है कर सकते, मरा हुआ व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते, इसलिए महाप्रभु ने तीन बार मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया है। महाप्रभु ने चलो साथ आए और महाप्रभु उसको छाती पर हाथ रख दिया, हाथ रख दिया फिर जिंदा हो गया। फिर उसने दोबारा जिंदा हो गया, जब जिंदा हो गया तो महाप्रभु को प्रश्न कर रहे बोले बेटा तू कहाँ चला गया, भगवान के तू कहाँ चला गया? बोले प्रभु मैं कितने भाग्यवान हूँ, बचपन से आपकी भक्त घर में श्रीवास पंडित घर में जन्म लिया, बचपन से आपकी कथा आपका नाम सुना कीर्तन सुना और साक्षात रूप में यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, आपका कीर्तन दर्शन करते करते प्राण छूटा, प्रभु मैं कितना सौभाग्यवान था तेरे भक्त घर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए प्रभु आप जब तक यहाँ पर रखे थे तब तक मैंने रहा, आपने जहाँ भेज दिया मैं आपका जहाँ भेजे आप मैं वहीं पर चला गया, लेकिन मैं अभी जहाँ पर गया वहाँ पर सुख में, जहाँ पर मेरे को भेजा है मैं अभी वहाँ पर सुख पूर्वक हूँ। इसलिए इस संसार कैसे है वो उदाहरण देते हैं, जैसे आप देखना जैसे जैसे कई बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है देखना उसमें पत्ते और घास भूसा सब बहते हुए जाते समय आप देखना हठात कभी कभी एक जगह हो जाता है, आप देखना हठात फिर अलग अलग हो जाता है, हठात एक जगह में हो जाता फिर अलग अलग हठात हो जाता है। ये संसार ठीक वैसे ही ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला में एकत्रित होकर के तू कौन बोले तेरे मेरे बीवी, बोले तू मेरे कौन बोले तेरे पति, बोले तू मेरे कौन बोले तेरे बेटा, बोले तू कौन बोले नाती, वास या गप्पे मार रहे धर्मशाला में, और सवेरे होते ही अपने आप स्थान पर सब चले जाएंगे। इसलिए बच्चा कह रहे बोले प्रभु ये संसार धर्मशाला है, बहते हुए ये पानी में सबके सब चल रहे कभी अलग कभी एक हो जाते हैं, लेकिन आपने जहाँ पर भेजे हो मेरे को बढ़िया जगह पर भेजे हो, लेकिन आपका आशीर्वाद से मैं सुखी हूँ, लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं, एक दिन सबको संसार में से जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ आपने भेजा अच्छे तरह से इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई। फिर उन्होंने फिर उनको परिवार से पूछे इसको जिंदा कर दो, उन्होंने बोले देखो जब वो खुद कह रहा है मैं आपने जहाँ पर भेजे हो मैं बढ़िया रूप में हूँ और आपका साक्षात कीर्तन सुनते सुनते एक दिन तो शरीर छोड़ना है, लेकिन आपका कीर्तन सुनते सुनते हमने शरीर छोड़ा है, जब वो स्वयं कह रहे हैं उसको लाने का कोई जरूरत फिर नहीं, क्यों खुद कहता है मैं बड़ा आनंद पूर्वक हूँ। फिर उन्होंने दोबारा उन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया। इसलिए आज इनकी आविर्भाव तिथि जन्मतिथि है, ये महापुरुष जैसे भजन किया भक्ति किया कितने दृढ़ भक्ति किया, किसी स्थिति में आने पर भी उन्होंने प्रभु का भजन नहीं छोड़ा। एक चीज को गांठ बांध दो जीवन में जितने दुख कष्ट आने पर भी जैसे हम कोई भजन प्रभु का भजन नहीं छोड़े, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तत्वन कम पास समान भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम, जीवन में जो कुछ आता है कभी किसको पर दोष नहीं दे करके अपना जीवन का किया हुआ कर्म का फल मान करके भोग करते रहो और भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भजन मत छोड़ो, हर समय क्या करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इसलिए सब मुक्ति पद दायी भा, भगवान की भक्ति मुक्ति कौन प्राप्त कर सकते है, यही व्यक्ति भगवान की भक्ति मुक्ति को यही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
पंचागल भस्य कृपा सिद्धाम पावनि भो वैष्णव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे